हेलो चिल्ड्रन, लेट्स बिगिन अवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। डियर चिल्ड्रन, यू ऑल नो दैट ऑल लिविंग बीइंग्स रिप्रोड्यूस। व्हाई दे यूज टू रिप्रोड्यूस? दे यूज टू रिप्रोड्यूस सो दैट देयर स्पीशीज शुड नॉट गेट डाइड। उनकी स्पीशीज को बचाने के लिए दे यूज टू रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है फिर से अपने ही जैसा एक और को बर्थ देना। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वन ऑफ देयर ओन काइंड, दैट इज अ रिप्रोडक्शन, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। यू ऑल नो एनिमल्स, किस तरह से एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, किस तरह से अपने यंग वन को पैदा करते हैं, बाय लेइंग एग्स और गिविंग बर्थ टू द यंग वंस। दो तरीके से करते हैं, या तो एग के थ्रू या फिर एक बेबी के थ्रू। ओके, सिमिलरली प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं अपने ही जैसा कोई ब्रीड? दे यूज टू रिप्रोड्यूस बाय टू वेज, पहले तो सीड्स के थ्रू या अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। ओके, यू कैन सी इन दिस पिक्चर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स आर देयर एंड दिस आर यूज फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ वन मोर प्लांट ऑफ देयर ओन काइंड। लुक एट दिस पिक्चर, हाउ द सीड यूज टू रिप्रोड्यूस, लाइक अकॉर्न, फ्रॉम अकॉर्न ओक ट्री इज बीन फॉर्म्ड and from coconut tree is been formed, been reproduced. So seeds, what are seeds? Seeds are present inside the fruits. Some fruits like mango, lychee, etc. have only one seed. कुछ seeds ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ कुछ fruits ऐसे होते हैं जिसके अंदर सिर्फ Only one seed, a big seed was there. लेकिन कुछ seed like papaya, watermelon have multiple seeds. So, जब ये seeds plant से scatter होते हैं, अलग होते हैं, तो फिर ये favorable condition के अंदर एक नया plant develop करते हैं. Let's have a view on this. It is a picture of parts of seed. Basically, seed is having थ्री मेन पार्ट्स। फर्स्ट वन इज सीड कोट। सीड कोट क्या होता है? आउटर कवरिंग होता है सीड का, जो सीड को प्रोटेक्ट करता है, ये हार्ड कवरिंग होता है। सेकेंड पार्ट है कॉटिलीडन्स और सीड लीव्स। दिस आर स्पेशल सीड लीव्स। एक्चुअली फूड इज बीन स्टोर्ड हियर सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर ग्रोइंग द एम्ब्रायो। एम्ब्रायो मीन्स अ बेबी। सीड का इनसाइड द सीड देयर इज अ वन एम्ब्रायो। ओके, सीड्स हैविंग टू कॉटिलीडन्स, इफ सीड इज हैविंग टू कॉटिलीडन देन दे आर कॉल्ड डाइकोट्स। एंड इफ लाइक इफ वन ओनली वन कॉटिलीडन इज देयर देन इट विल बी कॉल्ड मोनोकॉट। ओके, जैसे कि डाइकॉट के एग्जांपल्स हैं ग्राम, पीस, बीन्स एटसेट्रा आर हैविंग टू कॉटिलीडन्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डाइकॉट्स। एंड सीड्स लाइक मेज, वीट, राइस, दिस आर हैविंग ओनली वन कॉटिलीडन, दैट इज कॉल्ड मोनोकॉट। थर्डली व्हाट इज वन मोर थिंग इज इनसाइड, दैट इज एम्ब्रायो। Embryo, what is the meaning of embryo? A small baby. It is a tiny small part hidden at the base of seed leaves. Embryo small part होता है seed के अंदर, जो जिसके through ही वही आगे जाके क्या बनता है, seed का baby बनता है। Seedling grows from this embryo. जब एक नया plant grow करता है, एक seedling बनाता है, तो वो क्या embryo के through ही बनता है। You will have to draw the structure also of this seed. Okay.
नेक्स्ट नेक्स्ट इज जर्मिनेशन और ग्रोथ ऑफ अ सीड. वॉट इज मीनिंग ऑफ जर्मिनेशन? जर्मिनेशन मीन्स द प्रोसेस बाय विच सीड ग्रोज इनटू सीडलिंग. स्मॉल सीड बिकम्स अ स्मॉल प्लांट फ्रॉम अ मेकिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग प्लांट फ्रॉम अ स्मॉल सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन. अंडर फेवरेबल कंडीशन, कुछ फेवरेबल कंडीशन क्या है? वाटर, सनलाइट एंड एयर आर नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड. वाटर व्हेन द सीड गेट इनसाइड, सीड इज बीन प्लांटेड इनसाइड द सॉइल, water softens the seed coat and changes the food stored in the seed into the soluble form. In the first picture you can see the seed and small baby plant is been coming out from this seed. In this process sunlight and water is also along with air is also necessary, and through the process of photosynthesis the chemical changes take place inside the seed and seed become a small seedling. During germination the seed used to absorb water, वो पानी को absorb करता है और उसके साथ साथ उसका size भी increase होता है. जब size increase होता है तो seed को burst हो जाता है और open हो जाता है और उसके अंदर से एक स्मॉल टाइनी रूट, उसको रेडिकल बोलते हैं, वो उसके अंदर से सीड जब बर्स्ट होता है तो उसके अंदर से निकल आता है और वो इनसाइड रूट इनसाइड हमेशा इनसाइड की तरफ सॉइल के अंदर ग्रो करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ऊपर के डायरेक्शन में एक स्मॉल शूट, शूट मीन स्टेम के फॉर्म में प्लूमोल ऊपर की तरफ ग्रो करने लगता है सन की तरफ, ऊपर की तरफ सॉइल को पार करते हुए. और हम फिर एक समय के बाद क्या देखते हैं? एक बेबी प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट प्लांट.